तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय इनवाइटेड चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे रेडमी 8 सीरीज़ के यूज़र हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आखिर हमें उसमें MIUI 12.5 का अपडेट्स क्यों टेम्परेली सस्पेंडेड किया गया था और उस अपडेट को फिर से कब रोलिंग आउट करना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आज रेडमी 8 सीरीज से रिलेटेड गुड न्यूज़ निकल के सामने आ चुकी है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरा वाईटी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब जल्दी से मेरा वाईटी चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम यहाँ पर वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, रेडमी 8 12 में हमें एक ही दिन में MIUI 12.5 एंड्रॉयड 10 का इंडिया स्टेबल अपडेट रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो गया था, लेकिन उस अपडेट को बाद में टेम्परेली स्टॉप कर दिया गया था, यानी कि टेम्परेली उसे सस्पेंडेड कर दिया गया था। लेकिन आज हमारे पास यहाँ पे फिर से MIUI का 12.5.1.0 का एंड्रॉयड 10 पर बेस्ड इंडिया स्टेबल अपडेट 611 MB में Redmi 8 में रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। तो आप अपना अपडेटर सेक्शन चेक कर सकते हैं, आपको ये अपडेट देखने के लिए मिल गया होगा। और अगर आपको अभी तक ये अपडेट Redmi 8 में देखने के लिए नहीं मिला है तो फिर आपको सिंपली इसकी रिकवरी रोम को डाउनलोड कर लेना है, और आपको इसकी रिकवरी या OTA रोम आप कोई सी भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको सिंपली उन दोनों में से कोई से भी एक रोम को डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल के अबाउट फोन में अपने अपडेटर सेक्शन में आ जाना है, और अपडेटर सेक्शन में आने के बाद आपको सिंपली MIUI के लोगो पे 12 टाइम्स टैप करना है। फिर आपके इसमें एडिशनल अपडेट फीचर्स ऑन हो जाएंगे। फिर आपको सिंपली चूज अपडेट पैकेज से रेडमी 8 की आपने वो रिकवरी रोम या OTA रोम आपने जो भी डाउनलोड किया, आपको सिंपली उस वाली रोम फाइल को सेलेक्ट करके आपको सिंपली ओके पे टैप कर देना है। फिर आप रेडमी 8 में MIUI के 12.0.3.0 से MIUI के 12.5.1.0 पे बूट हो जाओगे और आपको इसमें कोई भी एरर देखने के लिए नहीं मिलेगा, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है रेडमी 8 के लिए। तो फ्रेंड्स, ये बात हो गई यहाँ पे हमारे पास रेडमी 8 की, कि यहाँ पे हमारे पास रेडमी 8 में ये अपडेट यहाँ पे रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं रेडमी 8 की। तो मैं आपको बता दूं कि Redmi 8 में भी हमारे पास सेम अपडेट ही रोलिंग आउट होना स्टार्ट हुआ है MIUI का 12.5.1.0 का, और इस अपडेट का यहाँ पे फुल्ली रोल आउट हो चुका है, यानी कि अब ये अपडेट आपके अपडेटर सेक्शन पे बिल्कुल भी गायब नहीं हो सकता है। आप अपना Redmi 8 का अपडेटर सेक्शन चेक कर सकते हैं, आपको ये अपडेट 545 MB में देखने के लिए मिल गया होगा। आपको इसकी रिकवरी रोम OTA रोम कोई भी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, इस अपडेट का यहाँ पे फुल्ली रोल आउट हो चुका है। आप अपना अपडेटर सेक्शन चेक कर सकते हैं, आपको ये अपडेट Redmi 8 में देखने के लिए मिल गया होगा MIUI का 12.5.1.0 का, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई यहाँ पर हमारे पास रेडमी 8 के MIUI के 12.5 की। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं रेडमी 8 डुअल की। तो मैं आपको बता दूँ, रेडमी 8 डुअल में भी सेम अपडेट रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका था, लेकिन होपफुली अभी अपडेट हमारे पास यहाँ पे सस्पेंडेड हो चुका था, लेकिन अभी तक यहाँ पे एक भी यूज़र यहाँ पे हमारे पास देखने के लिए नहीं मिला है जिसको ये अपडेट फिर से देखने के लिए मिला हो। तो हमें होपफुली इसमें भी बहुत ही जल्द देखने के लिए मिल जाएगा Redmi 8 Duo में फिर से ये सेम अपडेट MIUI का 12.5.1.0 का एंड्रॉयड 10 पर बेस्ट इंडिया स्टेबल अपडेट। तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं Redmi 8 सीरीज़ की एंड्रॉयड 11 के। तो मैं आपको बता दूँ, Redmi 8 सीरीज़ में Android 11 का अपडेट बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं आने वाला है। Redmi 8 सीरीज़ में केवल एक ही Android अपडेट आता है, और Redmi 8 12 में हमें Android 9 से Android 10 यहाँ पे देखने के लिए मिल गया है, जो कि एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियो Redmi 8 सीरीज से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप एक वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप मेरे वाईटी चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरा वाईटी चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।